हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ संजना और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कंस्ट्रक्टर के बारे में और भी डिटेल में. ओके, तो हम यूजुअली क्या करेंगे, हम यहाँ ऐसे तो पीपीटी वाइज हम देखेंगे तो हमें बस डिफरेंस है, बट मैं आपको वर्बली बहुत कुछ बताने वाली हूँ. ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए. देखिए, पहले बात हम मैंने इसमें डिफरेंस बताया है, ठीक है, पीपीटी में, कि एग्जैक्टली क्लास और मेथड कहाँ डिफ्रेंशिएट करता है और कुछ कुछ सिमिलैरिटी भी होती है. और क्लास और मेथड मोर ओवर सिमिलर ही होते हैं, बस वो थोड़ा सा स्लाइट वजह से वो डिफरेंट कर जाता है. ठीक है, वो स्लाइट चीज़ें क्या क्या हैं वो हम डिफरेंस में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, हम वर्बली कुछ कुछ प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद हम क्लास का वो कंस्ट्रक्टर का रिलेशन क्या है आपका क्लास से वो भी देखेंगे. ठीक है, तो क्लास का जो रिलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यूजुअली अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो आप क्लास के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको ऑब्वियसली उसका उसका जो पहले की चीज़ है वो कहाँ से आ रहा है वो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि एटलीस्ट कभी कोई पूछे तो ये किस पार्ट में लगता है तो आप उसे बोल पाओ किधर लग रहा है. ओके, तो ये कहाँ है, क्लास जो होता है आपका, ये एक क्लास कंसिडर, यूजुअली हम अगर क्लास को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, एक क्लास मेरा दो पार्ट में डिवाइड होगा. ठीक है, तो दो पार्ट में क्या है, वो एक एक्सटर्नल रैपर है एंड इंटरनल कंटेंट्स होता है. ठीक है, तो एक्सटर्नल रैपर और इंटरनल कंटेंट मिलके एक क्लास बनता है. ठीक है, क्लास क्या होता है, इट्स अ रिजर्व कीवर्ड और कीवर्ड अप्लाइड टू डिक्लेयर अ क्लास. ओके, ये इनडायरेक्टली वही में है, मतलब वो रिजर्व कीवर्ड है. और उसके बाद क्लास का जो नेम होता है वो तो यूज़र डिफाइन होता है, वो आपको पता ही है, मैंने आपको बोला कि वो कुछ भी कर सकते हैं. और उसे बोलते हैं एनी वेरिएबल डिक्लेयर ऑफ दैट ऑफ दिस टाइप इज़ एन ऑब्जेक्ट और ऑल्सो कॉल द इंस्टेंस ऑफ क्लास, यानी ऑब्जेक्ट है जो आपका. ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जो रिलेशन है मैंने शायद पहले क्लियर किया है, तो वो पार्ट आप वहाँ देख लीजिएगा. और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, अच्छा हम लोग कहाँ थे, क्लास एंड एक्सटर्नल रैपर एंड इंटरनल रैपर. ठीक है, इंटरनल कंटेंट, सॉरी, इंटरनल कंटेंट आपका जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो सकता है, एक इंस्टेंट वेरिएबल, एक कंस्ट्रक्टर और एक वो आपका मेथड, मेंबर मेथड. ओके, मेंबर मेथड आपने देखा होगा कि यूजुअली ओवरलोडिंग ये सब में आपको थोड़ा लगता है काम में आएगा, मेंबर मेथड, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, ये सब हम इसके बाद करेंगे. इसके बाद हम ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे और ओवरराइडिंग के बारे में पढ़ेंगे. तो यूजुअली कंस्ट्रक्टर आपका इंटरनल क्लास कंटेंट के अंदर आता है और इंटरनल कंटेंट आपका एक पार्ट है क्लास का. ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है, दीज आर द मेंबर मेथड विच आर यूज टू इनिशियलाइज इंस्टेंट वेरिएबल. ओके, इंस्टेंट वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए वह यूज़ होता है. मेंबर मेथड आपका जो होगा यूज इन अ क्लास कैन बी कंसिडर, आप कुछ भी ले सकते हो, कैलकुलेशन, डिस्प्ले, आउटपुट, ऐसे करके कुछ भी नाम है, ओपन क्लोज ब्रैकेट के साथ होगा, फर्स्ट ब्रैकेट रहेगा. द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग अ मेथड इज ऑल्सो वो आप रेफर कर सकते हो. आगे वाले प्रोग्राम में मैंने कंस्ट्रक्टर का शायद प्रोग्राम किया है, वहाँ पे आप उसको प्रोसेस को यू कैन बी रेफर दे. ओके, तो ये चीज़ रेफर करके हम वहाँ पे कर सकते हैं. और हम कंस्ट्रक्टर के बारे में और मेथड के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले हम डिफरेंस वर्बली कर लेते हैं. कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. वो यूजुअली प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि क्लास नेम ऑब्जेक्ट ओबीजे या ऑब्जेक्ट कुछ भी, ऑब्जेक्ट 1, 2, 3 जो भी कुछ लिख के इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम, फिर ओपन क्लोज ब्रैकेट और सेमी कॉलन से टर्मिनेट हो गया. तो वो जो चीज़ रहती है वो यही चीज़ है कि ये इनिशियलाइज होता है. आप जैसे ही एक ऑब्जेक्ट को आप जैसे ही एक कंस्ट्रक्टर क्या करता है, आपका जब आप वो क्रिएट करते हो वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देता है, वो इनिशियल स्टेट रहता है ना, वो रनिंग स्टेट वहाँ पे इनिशियलाइज कर देता है. ओके, उसे मतलब बोल देता है कि नाउ यू गेट रेडी. ओके, और उसके बाद वो क्या करता है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेथड इज़ यूज टू एक्सपोज बिहेवियर
ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि मेथड जो है वो आपका यूजुअली आप मेथड में क्या करते हो, कोई फंक्शन आपका परफॉर्म करते हो, ठीक है। मतलब आप लाइक सम ऑफ टू नंबर्स कर रहे हो, तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, वो कॉल कर दिए, तो वहाँ पे वो कॉल हो गया, वो चला गया वैल्यू, फिर उसके बाद वहाँ जाते ही वो उसे फंक्शन अंदर परफॉर्म होने लगता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर के अंदर रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। पर मेथड में रिटर्न टाइप होता है। यही एक चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट करती है एक कंस्ट्रक्टर को एक मेथड से, कि आपका इसमें ये मेजर है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर यूजुअली आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि इंटरव्यू में, वाइवा में एंड कहीं भी आप इन फ्यूचर आप काम आ सकता है, वो कहाँ से डिफर करता है, तो जस्ट सिंपल सा जवाब है, कंस्ट्रक्टर रिटर्न टाइप नहीं देता है, सी आर नहीं देता है, ओके, और एम आर देता है, ठीक है। यानी मेथड रिटर्न देता है, ठीक है। रिटर्न टाइप यानी कि कोई डेटा जो है, इनपुट टाइप, डेटा टाइप जो है वो नहीं जाएगा वहाँ पे। कंस्ट्रक्टर जो है वो इजीली इन्वोक हो जाता है, आपका वो क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिटली हो जाता है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो संग संग ऑब्जेक्ट के साथ, फिर एक्सप्लिसिटली होता है, ठीक है। ये आपका इन शॉर्ट हम बताना चाह रहे हैं कि इम्प्लिसिट मतलब होता है कि आपका JVM जो होता है या फिर आपका कोई भी टूल जो कंपाइलर के अंदर है वही उसे इन्वोक कर देता है, पर एक्सप्लिसिट मतलब आप जो प्रोग्राम लिखते हो, आप देखो वो प्रोग्राम लिखने के बाद मेथड जो होता है ना आपका, वो वहाँ पे कॉल होता है, ठीक है। तो वो आप बिना, आप अगर उसे कॉल नहीं करोगे तो वो कॉल नहीं होगा, वो बेकार में पड़ा हुआ है, वो जगह लेगा, स्पेस लेगा, बट अगर कंस्ट्रक्टर वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है JVM से, ठीक है, या फिर और कोई अदर टूल आपका उसको कॉल कर देगा। फिर जावा कंपाइलर प्रोवाइड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ़ यू डोंट हैव एनी कंस्ट्रक्टर। फिर मेथड इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय योर कंपाइलर इन एनी केस। अगर जावा का जो कंपाइलर होता है ना, अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं प्रोवाइड करोगे उसे, तो वो अपने आप ही एक डिफॉल्ट लेके आपको वो चला देगा प्रोग्राम। पर अगर आप मेथड, वो मेथड ले आप लिखे ही नहीं हैं, तो वो मेथड जो है आपका वो रन ही नहीं करेगा। वो कहाँ से रन करेगा, कंप्यूटर खुद तो नहीं क्रिएट कर सकता, आप उसे उतना एडवांस नहीं बनाया कि वो खुद ही फंक्शन लिख लिख के परफॉर्म करे। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखा, आपने उसके लिए आपने तीन का आपने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया एंड डिवीजन किया, पर आपने मल्टीप्लिकेशन का मेथड नहीं लिखा है वहाँ पे, तो मल्टीप्लिकेशन का मेथड आपने दिया नहीं है, पर यूज़र आपको, पर आपने उसे इंटरफेस में रखा है, तो यूज़र आपको जब मल्टीप्लिकेशन के लिए दे रहा है तो उसके बाद वो रन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपने उसे दिया नहीं, और कंपाइलर खुद, कंपाइलर या फिर JVM कोई भी टूल वो खुद नहीं कर सकता है ये काम, क्योंकि आपने वैसा कुछ किया नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपका मेथड का डिफरेंशिएट करता है। कंस्ट्रक्टर मस्ट बी द नेम ऑफ द, कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है ना वो क्लास का साथ वो जो सेम नेम होगा तभी वो चलेगा, नहीं तो वो नहीं चलने वाला है, ठीक है। फिर मेथड में आप रख भी सकते हो, आप नहीं भी रख सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ओके, कि हाँ रखो ही कि आपको एक ही रखना पड़े, बट कंस्ट्रक्टर में इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, ओके, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको रखना पड़ेगा। तो यूजुअली अगर हम एक नॉर्मल प्रोग्राम देखें, तो हम आगे जैसे प्रोग्राम देखा हुआ है इसके पार्ट, इसके आगे वाले पार्ट्स में, तो उसमें यूजुअली आपको अगर सम करना है दो नंबर का, तो आप पब्लिक स्टैटिक, आप इनिशियलाइज करोगे वेरिएबल्स, फिर उसके बाद आप मेन फंक्शन लिखोगे। मेन फंक्शन आप कहाँ लिखोगे, आप नीचे लिखोगे, ऊपर नहीं लिखोगे। उसके पहले आप लिख देंगे पब्लिक वॉइड इनपुट डेटा, या फिर इनपुट वैल्यूज, या फिर कुछ भी, फिर थ्रो आई ओ एक्सेप्शन, फिर इन उसके बाद लाइन इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन आपका, फिर वैल्यू लोगे, फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू लोगे अगर आप एडिशन कर रहे हो, तो फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन करोगे, जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे, और उसके बाद आप वेरिएबल कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दोगे, मतलब एक कंस्ट्रक्टर बना के उसे कॉल कर दोगे, तो उसके बाद क्लास के नेम का, तब वो चल जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर आपको प्रोग्राम देखना है, तो आप इसके आगे वाले ट्यूटोरियल को रेफर कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा।